एजाज खान किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार ऐसा भी वाकया हुआ था जब एजाज खान कपिल शर्मा से भिड़ गए थे। एजाज खान ने कपिल को लेकर बताया था कि कपिल ने उन्हें अपने शो पर बुलाया था। कपिल इस दौरान उनके पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि बाद में उस एपिसोड को कपिल ने टेलीकास्ट ही नहीं किया जिसमें वह गए थे। इसके बाद कपिल ने एजाज का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। लेकिन एक इवेंट के दौरान एजाज ने कपिल को ही पकड़ लिया और मीडिया के सामने ही उन्हें घेरते हुए पूछने लगे कि भाई आपने फोन भी नहीं उठाया, एपिसोड भी टेलीकास्ट नहीं किया, ये ठीक नहीं था। कपिल से एजाज ने ये भी कहा था कि क्या मैं सेलिब्रिटी नहीं, बताओ तुम। कपिल ने इसके जवाब में कहा था कि भाई तू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, ऐसा मत बोल, गले लग जा। कपिल ने सिचुएशन को संभालते हुए एजाज को गले लगा लिया था और सफाई देते हुए कहा था कि उनका फोन चेंज हो गया था। बता दें कि कपिल और एजाज की लड़ाई तब शुरू हुई थी जब एजाज ने कपिल के शो पर एक एपिसोड के लिए शूट किया था जिसका टेलीकास्ट नहीं किया गया। इस पर एजाज ने कहा था, मैंने जो करतब दिखाया जैसे बिग बॉस में, खतरों के खिलाड़ी में और साउथ की 17-18 फिल्मों में दिखाया है, कुछ हिंदी फिल्में भी की थी मैंने, मेरे साथ गलत हुआ तो मैं अपने लिए स्टैंड ले रहा हूँ। गांधी जी भगत सिंह ने भी यही किया था। एजाज ने आगे बताया था कि कपिल के प्रोडक्शन हाउस से मेरे मैनेजर को फोन आया था कि कपिल चाह रहे हैं कि एजाज शो करे, सेलिब्रिटी गेस्ट की तरह आए। मैंने उस वक्त मना कर दिया था कि क्या करेंगे जाकर, वो अपने ग्राउंड में अपने खिलाड़ी लेकर खेलेगा, मैं अकेला होऊंगा, फ्रीडम भी नहीं होगी, तो मेरे मैनेजर ने मना कर दिया। इसके बाद फिर उनका कॉल आया तो मैंने कहा कि ठीक है मुझे पैसे ज्यादा दो। फिर मैं सेट पर गया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और कहा कि मैं ये नहीं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिख कर लाया जो शूट हुआ। मुझे बताया गया कि एक हफ्ते में आएगा एपिसोड, कलर्स वालों ने भी ट्वीट किया था, लेकिन कपिल बड़ा इनसिक्योर है, आपके ग्राउंड में कोई अच्छा खेल जाए तो ऐसा लगता है उन्हें।